हमारी जो ये स्कूल है ये अच्छी होनी चाहिए, और हमारा जो गांव है इनमें ये हस्बेंड्री होनी चाहिए, जो आंगनवाड़ी सेंटर है इनमें बच्चों के लिए खाना अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह ये करेंगे, मैं मुझे बहुत बहुत विश्वास भी है। अच्छा हमारा नरेंद्र मोदी साहब अच्छा आया, लेकिन ये काम करें। हमारे को नागरिकता तो मिली 70 साल से, तो मतलब ये तो पाकिस्तान था, हम तो पाकिस्तानी कहलाते थे। जब जाना कहीं तहसील में जाओ, कोर्ट में जाओ, भाई हमारे को ऐसे ऐसे बच्चे की मतलब एडमिशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे को स्टूडेंट कास्ट दे दो, जहाँ कुछ मतलब दे दो कागज ताकि हमारे बच्चे की एडमिशन हो जाए। लेकिन वो बोलते हैं आप तो बेस्ट पाकिस्तानी हैं, आपका तो यहाँ है कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे नौजवान जो खड़े हैं आपके सामने, देखो सब पढ़े लिखे हैं बेचारे, ऐसे दरबदार हो रहे हैं। पहले बहुत नुकसान होता था, जहाँ जाते थे वहाँ हमारे को पूछता नहीं कोई भी, तो अब 370 दफ़ा टूटी है, उसकी वजह से हम ठीक ठाक हैं अपने घर में। ये अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ट्रैक पे आते हैं, क्योंकि पहले हमें समर की छुट्टियां भी थी, उसके बाद ईद की छुट्टियां थी, कर्फ्यू लग गया था, स्कूल बंद हो गया था पूरा, तो जिसकी वजह से हम हमारे कुछ साथी हैं मतलब जो अभी आ भी नहीं रहे थे स्कूल, तो अब आ रहे हैं, तो हम अपनी पढ़ाई अब अच्छे तरीके से कर रहे हैं स्टार्ट। जब पीछे बंद हुआ था हमें बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा, अब उसके बाद टीचर्स मतलब पढ़ाने लगे, हमारा सारा सिलेबस कम्प्लीट हो रहा है। मार्केट सब खुली है और इसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ यही है कि लोग अभी खुश हैं कि हमारा सांबा शहर जो है सबको खुला है, इधर नेटिव चलने लगे हैं, सब कोई प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। ये आने वाले जो टाइम पे जो भी काम होगा अच्छा ही होगा।